अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग रिडल शेयर करने वाला हूँ। इस रिडल के अंदर हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास एक ट्री है और एक वॉर्म है जो डेली बेसिस पे जो है ट्री पे जाता है और लीफ को क्या करता है, ईट करता है। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से कि होता क्या है। जब वो पहले दिन जाता है तो वो क्या करता है, खाली एक पत्ता खाता है। दरख्त पे जाएगा, वो एक पत्ता खाएगा और वापस आ जाएगा। देन डे टू जो होगा हमारा, यानी कि सेकंड डे जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा, देन उसके बाद दो जो है लीफ खाएगा। फिर उसके बाद जब अगली दफ़ा जाएगा तो फोर लीफ खाएगा। फिर जब अगली दफ़ा जाएगा एट लीफ खाएगा। यानी कि हमेशा क्या करता है, जब भी वो जाता है डबल लीफ खाता है। ये प्रोसेस 30 दिन तक होता रहा और फिर 30 दिन बाद क्या हुआ कि ट्री के सारे लीफ उसने खा लिए। अब आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली हाफ लीफ उसने कब खाए। फॉर एग्जाम्पल 100 पत्ते थे दरख्त के ऊपर, तो जब 50वां पत्ता उसने खाया तो वो कौन सा दिन होगा, अब आपको ये बताना है। यानी कि जब ट्री के हाफ पत्ते जब उसने खाए तो वो कौन सा दिन था, यहाँ वीडियो को पॉज करके आपने मुझे ये बताना है। सो होपफुली बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि इसका आंसर है 29th डे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक ट्रैप है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि एक दिन पहले ही ऐसा हुआ होगा कि उसने आधा दरख्त खाया होगा, क्योंकि वो डबल करता जा रहा है। तो लास्ट डे उसने क्या करा होगा, हाफ ट्री फिनिश करा होगा। देन 30th डे पे उसने क्या करा होगा, पूरा ट्री फिनिश कर लिया होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसे देता हूँ कि मैं एक ट्री ले लेता हूँ जिसके अंदर 15 लीव्स मौजूद है। तो जब पहले दिन वॉर्म पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, एक लीफ को खा लेगा। देन जब वो सेकंड डे आएगा वो दो लीफ खाएगा। देन जब वो थर्ड डे आएगा वो फोर लीव्स खाएगा। देन जब फिफ्थ डे आएगा तो वो कितने लीफ खाएगा, एट। तो टोटल सम अप कर लेते हैं, यानी कि जब हम इसका टोटल सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 8 + 7, 15। तो यानी कि टोटल हमारे पास जो दरख्त में पत्ते हैं वो कितने हैं, 15। तो जो हाफ होगा 15 का वो होगा 7.5। तो यानी कि जब उसने 7.5 पत्ते खाए तो वो कौन सा दिन है, हमें ये फाइंड आउट करना था। तो अब हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पहले दिन आया उसने एक पत्ता खाया अभी तक, दूसरे दिन आया टोटल 3 पत्ते खा चुका है, 1 और 2 3। फिर जब वो थर्ड डे आया वो 4 पत्ते और खाए उसने, तो 4 + 3 7। यानी कि जब वो थर्ड डे भी आया तब भी उसने हाफ ट्री को फिनिश नहीं करा, यानी कि उसने 7 पत्ते खाए, 0.5 बाकी था। तो जब वो लास्ट डे आएगा तो 7.5 वो उसी दिन ईट करेगा। यानी कि इसका आंसर भी 29 नहीं है, इसका आंसर 30 ही है। यानी कि जो हाफ पत्ते उसने खाए थे ट्री के वो 30th डे पे ही खाए थे, जैसे यहाँ पे उसने 4th डे पे हाफ पत्ते खाए। आई होप आप लोगों को ये रिडल पसंद आई होगी। अगर ये रिडल आप लोगों को पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।